हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट की। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे बाकी के वीडियोस को ज़रूर चेक करें। सो ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं, ये तो आपको पता है होते क्या है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। एक सेमीकंडक्टर में अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये मूव करते हैं, ठीक है। तो ये मूव करते हैं, मान लीजिए इनकी जो मूवमेंट है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो है ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मूवमेंट है, या फिर वो है डिफ्यूजन की वजह से। सो ड्रिफ्ट क्या है? मूवमेंट कॉस्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं अक्रॉस द सेमी कंडक्टर, देन देर इज अ मूवमेंट विच इज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मूवमेंट। अब डिफ्यूजन मूवमेंट क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो करते हैं, फ्लो कॉज्ड बाय वेरिएशन इन कंसंट्रेशन। सो अगर कंसंट्रेशन में कहीं भी वेरिएशन है किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो आपकी डिफ्यूजन होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो मूव करेंगे किसी और जगह पर। यही मेरा बेस बनता है ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का। अब मैं बात करता हूँ ड्रिफ्ट करंट की, अलग अलग देख लेता हूँ ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन है क्या। सो ये मेरी डेफिनेशन है ड्रिफ्ट की। ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ भी बोल सकते हो आप, ड्रिफ्ट करंट ही बोल देते हैं। मैं यहाँ पर बोला था द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन कॉज्ड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। तो आपका क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक मेटल है या सेमीकंडक्टर है, उसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, ठीक है, कोई पोटेंशियल लगा दूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं उसके क्रॉस, तो क्या होता है आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं और उससे आपका एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है और जिसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ये आपको एज इट इज याद करनी है, या फिर आप थोड़ा बना के भी लिख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, इट्स जस्ट जनरल थिंग दैट यू शुड रिमेम्बर। बट अब इसके पीछे पूरा प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको डेप्थ में समझाना चाहता हूं, तो वो आप जरूर देखें। सो ये आपका प्रोसेस है पूरा, होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं। व्हेन अ स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ मेटल द इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब मैं जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा एक मेटल में, ये मान लीजिए मेरा मेटल पीसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दी, इलेक्ट्रॉन्स मेरे मूव करना चालू करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो मान लीजिए मेरा ये मेटल है जिसमें मैंने लगा रखा है पोटेंशियल, और अब इसमें भी मेरे एटम्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना चालू करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकला और ये गया इधर, अब ये क्या करते हैं कोलाइड कर जाते हैं किसी एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन निकले पर कोलाइड करके किसी एटम के साथ। अब जो कोलिजन है ये इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं, मतलब यहां पर कुछ जिस फोर्स है वो वेलोसिटी से वो चल रहा था या फिर जो भी था उसकी थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई। अब बट क्या होता है, कोलिजन से ना इनको एक एक्सिलरेशन भी मिलता है और एक वेलोसिटी मिलती है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनको इधर की साइड में और वेलोसिटी एक थोड़ा सा गेन, मतलब कुछ लूज कर रहे हैं तो कुछ गेन भी कर रहे हैं, इस तरह से आप समझिए, जाना इनको इधर ही है। तो यहां से मान लीजिए इधर पहुंचे यहां पर, तो ये देखिए आप देखो इसको इधर से इधर ड्रिफ्ट हो गया ये, तो इस तरह से ना पूरा एक पैसेज बन जाता है इनका, और
एक जो आपकी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें ये जाते चले जाते हैं, उधर जाते 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 ये अपने पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे, कोलाइड करते 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 करते। इस तरह से आपका तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बन जाती है, उसकी वजह से वो डायरेक्शन से आपका ड्रिफ्ट करंट बनता है, क्योंकि आपका करंट तो तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स किसी डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहां पर ये चल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड वोल्टेज, इसलिए आपका ड्रिफ्ट करंट है। डिफ्यूजन करंट आपका होता है बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन, उसका भी क्या है मैं आपको अभी बता देता हूं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। सो एक चीज और होती है इसमें कि आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ये म्यू ई हो जाता है। यहां पर आपका ये जो म्यू है वो होता है आपका मोबिलिटी। तो ये एक्सप्रेशन भी अगर आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई के, और वेलोसिटी जब ये आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये म्यू बन जाएगा, जो कि मोबिलिटी है। अब हम देख लेते हैं डिफ्यूजन करंट। स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन करंट क्या होता है? द डिफ्यूजन करंट इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि द डिफरेंस इन इफ लाइक देयर इज अ डिफरेंस दैट कम्स इफ द कैरियर कंसंट्रेशन इज मोर इन वन रीजन देन अदर। मान लीजिए मैं मानता हूं यहां पर कैरियर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और दूसरे साइड में कैरियर कंसंट्रेशन अगर मैं देखूं तो बहुत कम है, आप अगर देखेंगे तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कैरियर्स है ना ये ट्रैवल करना चालू कर देते हैं इधर इस तरफ में। तो एक कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ये चार्ज कैरियर मेरे जाना चालू कर देते हैं। ये जाना चालू करेंगे तो उससे क्या होगा, एक डिफ्यूजन करंट, क्योंकि अब मेरे चार्ज कैरियर ट्रैवल तो कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक करंट बनेगा और उस करंट को मैं कहता हूं डिफ्यूजन करंट, कि जो मेरे चार्ज कैरियर हैं हायर कंसंट्रेशन वाली रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाली रीजन में जा रहे हैं। ये आपकी डिफाइन हो गई। चार्ज कैरियर्स टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सेमी कंडक्टर क्रिस्टल। उसके बाद ये मूवमेंट कंटिन्यू होती है आपकी तब तक जब तक आपके पूरे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, मतलब इधर और इधर बराबर ना हो जाए। तो ये आपका है डिफ्यूजन करंट। आई होप आपको समझ आ गया हो। सो इस टॉपिक में आपका इतना ही था, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। आई होप आपको समझ आ गया हो। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।